आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्ञान व्यापी प्रकरण की, क्योंकि आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि अहम सुनवाई आज होने वाली है। आज जिला जज एएसआई सर्वे पर फैसला देगा। सील एरिया को छोड़कर बाकी के सर्वे की मांग की जाएगी। एएसआई की जांच पर जिला जज सुनाएंगे फैसला। परिसर में मिली थी देवी देवताओं वाली जुड़ी आकृतियां। कमीशन की जांच में कमल त्रिशूल की आकृति भी मिली। हिंदू पक्ष ने की है एएसआई सर्वे की मांग की थी और 16 मई को जिला कोर्ट में दायर की गई है याचिका और आज इस पर फैसला आना है। तो आज काफी अहम दिन, सील एरिया को छोड़कर बाकी के सर्वे की मांग की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, आज अहम दिन है ज्ञान व्यापी मामले को लेकर। परिसर में मिली थी देवी देवताओं से जुड़ी आकृतियां और इसी मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। तो आज बेहद अहम दिन है, आपको ये बताएं कि आज ज्ञान व्यापी प्रकरण में अहम सुनवाई होनी है। आज जिला जज एएसआई सर्वे पर फैसला देंगे कि क्या उस एरिया में एएसआई सर्वे होना चाहिए या नहीं, क्योंकि सील एरिया को छोड़कर बाकी के सर्वे की भी मांग लगातार की जा रही थी। इसी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। एएसआई जांच पर आज जिला जज सुनाएंगे फैसला, क्योंकि आपको ये बताएं कि पूरे जो मंदिर परिसर में उसमें इस बात के सबूत मिले थे कि यहाँ देवी देवताओं की इससे जुड़ी आकृति थी। अनुज हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर भी। अनुज, आज बेहद अहम दिन है ज्ञान व्यापी प्रकरण को लेकर, कितने बजे से सुनवाई शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, आज का जो दिन है वो बहुत अहम है। आज ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में आज जो सील एरिया है उसको छोड़कर बाकी सभी जगहों को एएसआई सर्वे की मांग को लेकर के आज कोर्ट का आदेश आना है। जो आदेश आना है वो दो बजे के बाद आदेश आएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं सभी की निगाहें जो है आज इस आदेश पर टिकी हुई है, क्योंकि एएसआई सर्वे की मांग 16 मई को याचिका डाली गई थी, जिसके बाद आज कोर्ट का फैसला उस पर आना है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो औरंगजेब था वो उसका शासक बहुत अच्छा था, उसने मंदिर नहीं तोड़ा है, लेकिन हिंदू का कहना है कि भाई अगर मंदिर नहीं टूटा है तो एएसआई सर्वे से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष भी, जो वाराणसी के बहुत अधिकतम मुस्लिम पक्ष है, वो भी एएसआई सर्वे की मांग कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि नहीं, अगर एएसआई सर्वे करने से दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा।